Hello friends, this is your host Prachit Pangal. I hope you all are fit and fine. Welcome back to the channel. क्या होगा? ओहो थोर की बॉल भाई, वो बिल्लू भाज की। चल भाई आज थोर मानो थोर और हेलो को नहीं लाते हैं, ठीक है? हाँ, चलो लेकिन पहले खुद का मुंह तो धो लेते हैं, अभी सो के उठे। तो भाई मैं आप लोगों से भी एक प्रोडक्ट शेयर कर लेता हूँ। उस तरह का फेस वॉश है, इसको मैं यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर भाई केमिकल्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। जैसे सल्फर होता है, वो सल्फर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है अपनी स्किन के लिए, और भी जितने भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो सही नहीं होते अपनी स्किन के लिए, है ना? तो वो नहीं है इसके अंदर। और ये एक्ने कंट्रोल वगैरह करता है। और सबसे मेन बात, अलग अलग फेस वॉशेज में आपने देखा होगा कि किसी में नीम है तो दूसरे में चारकोल है, बट इसके अंदर दोनों चीज साथ में है, तो कितनी बढ़िया बात है। जो नीम है वो क्या मदद करता है, वो एक्ने और जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो नहीं होने देता इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज की वजह से। और ये तो हम सबको पता है, माँ भी बचपन में ही कहते थे कि भाई, आज भी कहते हैं कि नीम बहुत अच्छा होता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है इनकी। और चारकोल जो होता है वो भाई डीप क्लींजिंग करता है अपनी स्किन को, मतलब अच्छी तरीके से पोर्स वगैरह में से निकाल देता है, डस्ट वगैरह और ऑयल वगैरह में नहीं रहने देता। तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से। सारे को ऐड कर लो फेस को अपने। अच्छा ले लेते हैं, ये देखो इसको रब कर लो अपने फेस पे, एंटी क्लॉकवाइज कर लो। जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसमें इतने ज्यादा झाग नहीं है, फोम नहीं है, क्योंकि इसमें केमिकल्स नहीं है, केमिकल फ्री है ये, सल्फर नहीं है, सल्फर की वजह से होता है ये। तो सिर्फ मेन पॉइंट यही था, मतलब इसके बाद देखो जितना झाग बहुत ज्यादा मैंने दूसरे भी यूज करे हैं उनमें बहुत ज्यादा झाग से हो जाते हैं, फोम हो जाता है, पर इसमें नहीं है। तो चलो अच्छा है, रेकमेंड करता हूँ आप लोगों को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको खरीद सकते। और हाँ, एक्स्ट्रा 20% ऑफ के लिए पंगाल 20 कोड है ये आ रहा, उसको लिखना वहां पे तो 20% ऑफ मिल जाएगा आपको इस प्रोडक्ट पे। और इसके जितने भी लिंक्स हैं जहां से आप इसे बाय कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जल्दी जल्दी जाओ और शॉप करो। आज थोर और हेला को साथ में नहीं लाएंगे, है ना पापा जी? हाँ। और थोर की बारी है पहली, और इसको बांध इसलिए रखे क्योंकि ये भाग जाता है दो मिनट में। हाँ तो ये एक बार पहले इसको प्रॉपर नहला दे, उसके बाद खोलेंगे। पहली बार आपने हमारे वीडियो में देखा होगा इसको बांधे हुए, है ना पापा जी? हाँ। एक साल हो गया, मतलब होने वाला है। और पहले ये तो एक साल का हो गया, पर ये चैनल पे तो 2 महीने बाद आया था ना, मतलब कि 10 महीने हो गए। 10 महीने में पहली बार आपने देखा है थोर को ऐसे बंधा हुआ, और हमने भी। पानी तो कर दूं। हाँ इसके कोई असर नहीं है। थोरी थोरी हेला भी ना आएगी तेरे साथ ना बेटा, इधर आ। ओह हाँ, इसलिए बांधते हैं, इसलिए उन्हें भागने की कोशिश करेगा। अब मस्ती भी चढ़ेगी ना इसमें। पापा पहली बार भी थोरी को इधर ही नहीं लाया था, है ना? पहली बार कब? मैंने नहीं लाया था यहाँ पे। उसके उस वीडियो का लिंक आई बटन में आ रहा है, आप देखना चाहो तो देखना जरूर, अच्छी वीडियो है। छोटा सा बच्चा था जब ये। थोरी नहीं नहीं कर रहे तू? थोर की सब भूल रही है, पापा कुछ और काम कर रहे हैं। थोरी तेरे को नहीं लाया, नहीं बीच में छोड़ दिया है थोरी? थोरी थोरू थोर नहा चुका है और अब इसको साफ कर रहे हैं, और ये फुल मस्ती में। हाँ फुल मस्ती में थोड़ी। और हेला को भी लिया है, हेलू का शैम्पा क्या हो गया? हेला का शैम्पू ये रहा, यो बैठ गई नीचे, अब इसको भी नहीं लाएंगे ना। ये रहा हेला का शैम्पू, तो हेला भी नहाएगी। थोरू आजा, थोरू आजा, हेला नीचे चुप गई। थोरू 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 हेलो को निकाल ले बाहर, थोरू हेलो को बुला ले हेलो को बाहर बुला। नहीं नहीं हेलो छत को एक्सप्लोर करती हुई पहली बार छत पे आई है। ड्रायर के पास आ रहा है ना, मैं दिखाती हूँ उसकी असली। आजा थोरी थोरी आजा, ठंडा मारी हो।
थोर क्या कर रही है ये? थोरी पापा बाद में बाज गया। थोरी इधर देख। रगड़ दी सारी चादर। थोरू मम्मी मारेगी। चलाइयो थोरू। ठीक है ठीक है, नीचे ना कूद जाएगा तू। पापा कहते नीचे कूद। ब्रेक देखी कैसी मारी इसने, अगले डिस्क ब्रेक मार दी, पिछले पैर उठ गए इसके। तो भाई हैला की बारी है नहाने की, और थोर इसको देखना चाह रहा था, तो मैंने इसको पकड़ रखा है, नहीं कहीं डिस्टर्ब ना करते पापा को, है ना। और मैं थोर तो नहा लिया है, बट अब थैला थैला की बारी है। हैला देख कितनी सी निकल के आई है। वो कितनी बड़ी है ये। ओ हैला, रे रे रे, पापा इसके कान को बचा के, कान पे नहीं, आगे मुंह पे तो आप हाथ से ही मार लो बस। असलियत दिख गई हैला तेरी। पापा एक बार जनता देखना चाहती हूँ उठाने से। थोर थोर भी देख के रहा ना क्या। मेरे को भी उसका शैंपू दे दो। हैला देखी कितनी से निकल गई है। ए मेरी मानी थोड़ी कॉटन ले के आ। हां कॉटन ले के आ, तो मैं ले के आता हूं। और ये ड्रायर ना मुंह पे नहीं मारना होता बिल्कुल भी, ये मैम ने बताया था, बस ये पीछे से साफ कर दो, बस साफ होने के बाद मिलेंगे हम। होने के बाद हैला वापस हो चुकी है पहले वाली। हाँ। थोड़ी सी कसर है, वो खुद सूख के हो जाएगी। हैला के लिए स्क्रैचिंग पैड मंगाया था, ट्राई कर रहे थे कि ये करेगी या यूज नहीं करेगी, तो एक बार ये मंगाया, दिखाइए मालू, बाद में हिचकिया मार लियो। चलो हैला को दिखाते हैं। इसके नीचे घुसना चाह रही है। के दी गैला। हाँ वाह, हो गया यूज, हो गया। चलो अब यूज हो देख रही है एडी क्या पापा हो रहा है यूज। थोर देख रहा है एडी। थोर देख रहा है भाई, ये की सिस्टम है। थोर तुझे भी करना होता है ये। थोर करो मुझे देखो एक बार। क्या कर रही है ये? तू मेरे काम ही कोई नहीं है जी, सोने दे मुझे। देख लो थोर और हैला बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए साथ में, दोनों अपने आप नेचुरली सो रहे हैं, देख लो बिल्कुल साथ में सो रहे हैं। ये कहना चाहूंगा कि ये देख लो कितने फ्रेंडली हो गए हैं। थोर भी, अरे ये भी बिल्कुल वो हो गया है, हरी हो गई है इस चीज से कि अब ये इसको कुछ भी चोटी कुछ आएगा तो इसलिए बिल्कुल ये देख लो कितना गैप है, ये देखना कितना गैप है, बस चार उम्र का गैप है, आराम से ये भी तैयार हो सकती है।